नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है उस स्टॉक का नाम है अल्ट्रा टेक सीमेंट। तो आज हम अल्ट्रा टेक सीमेंट के बारे में बात करेंगे, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि स्टॉक किस तरह से काम करते हैं, इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है, इस स्टॉक का बिहेवियर किस तरह से है। तो जैसा मैं आप लोगों के लिए हर वीक कोई ना कोई स्टॉक लेके आता हूँ, तो आज जो है मेरी राडार पर अल्ट्रा टेक सीमेंट था, तो मैंने सोचा कि चलो आज अल्ट्रा टेक सीमेंट की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए। तो चलिए हम लोग इसकी जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जैसा हम जो है पिछली एक साल के एनालिसिस करते हैं, तो हम ये जो है चलिए हम 18 से ये पकड़ लेते हैं, ये है 18। तो हम एक कुछ इसकी पिछली सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह एक ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमको जो है पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाया करेगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने एक पीछे जगह एक सपोर्ट पकड़ लिया, और मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो आप लोग को जो है थोड़ी पिक्चर जो है अच्छे से क्लियर होगी। ये लीजिए, और इसको मैं थोड़ा उठाकर ऊपर कर देता हूँ। तो ये देखिए ये पिछला सपोर्ट है। अब देखिए हमने क्या एनालिसिस करनी है, किस तरह से करेंगे। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो है कंटिन्यू एक लोअर लो लग रहा है। तो लोअर लो की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन वैसे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रही है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। और यहां पर जो है ये ऊपर जाने के बाद ये देखिए यहां पर नीचे जो है 3830 और 3840 का लेवल टेस्ट कर रहा था, तो हमने एक यहां पर इस तरह से सपोर्ट ड्रॉ कर ली। ये सपोर्ट हमने इसलिए ड्रॉ करी कि अब हमको जब मान लीजिए ये ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा तो हमको ये कहां पर सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए हमने ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। तो ये देखिए हम जो है अब ये ऊपर जाने के बाद ये देखिए नीचे आ रहा है, तो नीचे कहां तक आ रहा है, पिछले सपोर्ट पे। तो पिछले सपोर्ट पर आने के बाद देखिए एक तो यहां पर साथ के साथ आप जो है पैटर्न भी फाइंड करते चलिए, पैटर्न फाइंड करने से जो है आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। तो सॉरी पहले मैं इसको यार ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लोअर लो तो बन रहे हैं बट यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कोई सिनेरियो अच्छा नहीं बन रहा है। तो हम जो है यहाँ पर जो एक हाई लगा हुआ है, हम इसको पकड़कर जो है ये चीज कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहां पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लगाने के बाद फिर यहां पर इसी लेवल तक ऊपर गया जहां पर हमने ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी। अब देखिए अब ये जो है यहां पर इसने जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद हमारा सेल ट्रेड जो है कंफर्मेशन हो जाता है, उसके बाद फिर जो है नीचे कहां तक आएगा, तो जहां पर पीछे यहां पर सपोर्ट लगा के जा चुका है वहां पर आएगा ये। तो यहां पर देखिए यहां पर इसने सपोर्ट लगाया, सपोर्ट लगाने के बाद कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिखी कि ये जो है इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। तो और यहां पर इसने एक हैमर टाइप की कैंडल भी बना दी, तो यहां पर हमारा ट्रेड कन्फर्मेशन हो गया कि हम जो है इसको बाय साइड में ही लेकर जाएंगे। तो यहां पर देखिए अभी ये क्या हो रहा है, अभी यहां पर ये ऊपर जाने के बाद फिर जो है इसी सपोर्ट पर आके इसने जो है इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आके इसने सपोर्ट लिया है। तो ये देखिए अब यहां पर जो है वन बॉटम, टू बॉटम और थ्री बॉटम, यहां पर आपके सामने अब ये ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो चुका है। ट्रिपल बॉटम फॉर्म होने के बाद जो है अब यहां पर हमको एक हैमर टाइप की कैंडल मिली है, और यहां पर कुछ टाइम सस्टेन होने के बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है। और ये देखिए ऊपर की तरफ ये स्टॉक कहां तक गया है, ऊपर की तरफ ये स्टॉक, ये जो हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी सेम यहां तक गया है। अभी देखिए क्या हो रहा है, अब ये स्टॉक में जो है एक हायर हाई बनने चालू हो गए हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं पहले ये इसका जो लो लगा था ऊपर जाने के बाद, फिर ये जो है इस लो को ब्रेक नहीं किया और ये ऊपर ही इसने सपोर्ट ले लिया, ऊपर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर जो है ये ऊपर जा रहा है, फिर जो है इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये जो लो लगा हुआ है इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो है अब ये हायर हाई लगने चालू हो गए हैं। तो जब हमको हायर हाई मार्केट में मिलते हैं तो हम इस तरह से देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ट्रेंड लाइन को भी मैं जो है आपको इस तरह से कर देता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए ऊपर कहां तक जा रहा है रिटेस्ट करने के लिए, ऊपर रिटेस्ट करने के लिए यहां पर जा रहा है। ये देखिए ये जो इसका जो है लोअर लो हायर हाई लगा हुआ है यहां तक ये जा रहा है। तो हमने यहां पर जो है एक रेजिस्टेंस इसके लिए ड्रॉ कर ली। अब ये देखिए ट्रेंड लाइन जब ये ड्रॉ हुई है, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने के लिए यहां पर गया है, और रीटेस्ट करने के बाद यहां पर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दिखा कि इसको जो है ये ब्रेक करेगा। और यहां पर देखिए आप देख सकते हैं यहां पर जो कैंडल जो बनी हुई है, कैंडल यहां पर देखिए बीर स्टैक की कैंडल बनी हुई है यहां पर देखिए, ये देखिए आप ये देख सकते हैं ये रेड कलर की जो कैंडल ये बनी हुई है, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल्स को बोला जाता है। तो यहां पर शूटिंग स्टार कैंडल बना, फिर ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद फिर जो है अभी देखिए अभी ये यहां पर इसने
दो तीन बार यहाँ सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर हम जो है एक ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह छोटी सा सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर दो बार रिटेस्ट करने के बाद फाइनली ये नीचे की तरफ आ गया है। अब ये देखिए नीचे की तरफ कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर जो है ये लोअर लो इसने बनाने चालू कर दिए हैं, तो जब इसका लेवल ब्रेक हुआ तो ये देखिए यहाँ तक आया, और ये ब्रेक होने के बाद लास्ट टाइम यहाँ तक आया, और ये यहाँ पर भी कहाँ पर आके स्टॉप हो रहा है, ये देखिए पीछे एक यहाँ पर सपोर्ट है, ये देखिए ये जो मैंने ड्रॉ करा, ये देखिए ये सपोर्ट है ना, तो इस सपोर्ट पर आके इसने, हाँ ये देखिए इस सपोर्ट पर आया, सपोर्ट होने के आने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर इसने सस्टेन किया है। तो देखिए इस स्टॉक में भी अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जब ये सपोर्ट के पास अपने पहुंचता है या अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो यहाँ पर कुछ होल्ड करता है। कुछ होल्ड करने का मतलब ये है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वहां पर जो है कुछ साइडवेज टाइप का हो जाता है, और साइडवेज टाइप का होने के बाद फिर जो है जब ये लेवल ब्रेक करता है तो काफी अच्छे एक मूवमेंट देखे जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको जो है ये सब डिलीट करते चलते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए क्या हो रहा है, अब यहां पर जो है लोअर लो बनने ये चालू हुए थे जैसा मैंने आपको बताया था, तो ये जो लो है इसके नीचे है, ये जो लो है इसके हाई के नीचे है, ये जो लो है इसके हाई के नीचे है, तो हमको क्या मिला यहां पर एक ट्रेंड लाइन मिली। ये देखिए इस तरह से हमको यहां पर एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। देखिए जब भी आपको दो हायर हाई मिले तो वहां पर जो है आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए कि नेक्स्ट टाइम जो है देखिए आप उस जगह पर आकर वो सपोर्ट ले सकता है या फिर उस जगह पर आकर वो रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसलिए जो देखिए ट्रेंड लाइन मीन्स पैसा, मैं तो ट्रेंड लाइन का मतलब पैसा समझता हूँ, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है तो एग्जैक्टली है 100% है कि वो स्टॉक आपको आपके लिए काम करेगा और आपको पैसे अवश्य देके जाएगा। तो यहां पर देखिए जब यहां पर लोअर लो बनने चालू हुए, लोअर लो बनने के बाद हमने यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, आप ये देख सकते हैं यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ कहां तक जा रहा है हमने ये देखना है। ऊपर की तरफ ये देखिए ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है एग्जैक्टली यहीं तक गया है, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहां तक गया है। और यहां पर जाने के बाद देखिए जैसा अगर आपको चार्ट पैटर्न अगर आपको रीड करना आता होगा तो आपको ये दिख रहा होगा यहां पर एक जो है बुलिश बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। तो बियरिश एंगल्फिंग देखिए हमने ट्रेड कब करना है, मल्टी कंफर्मेशन पर। जब भी हमको मल्टी कंफर्मेशन मिलेगी हमने ट्रेड तभी करना है, हमने कभी एक या दो कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अक्सर देखा है कि मेरे कुछ दोस्त कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो मेरे को अक्सर मैसेज करते रहते हैं सर मैं कौन सा इंडिकेटर लगाऊं। तो देखिए भाई मैं इंडिकेटर बिल्कुल यूज नहीं करता हूं, मैं इंडिकेटर क्या यूज करता हूँ सिर्फ दो इंडिकेटर, और वो भी कभी कभी, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू जो है उसको यूज करूं। मैं देखिए मैं कुछ मूविंग एवरेज यूज करता हूं और एक RSI, इसके अलावा मैं किसी इंडिकेटर को देखता भी नहीं हूं, ठीक है। तो चलिए हम कहां पर थे, यहां हम यहां पर थे इस रेजिस्टेंस पर थे। यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस आने के बाद देखिए एक तो कंफर्मेशन हमारा ये हो गया कि ये स्टॉक रेजिस्टेंस पर है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस आपको कैसे पता लगा, हमने ये जो पीछे हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो यहां पर हमको पता लग गया कि अब ये स्टॉक जो है रेजिस्टेंस पर है। रेजिस्टेंस पर होने के बाद सेकंड जो है यहां पर जो पैटर्न जो ये बना है बियरिश एंगल्फिंग, इससे हमारा जो है ट्रेड जो है मल्टी कंफर्मेशन में आ जाता है, तो यहां पर हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर ये देखिए हायर हाई लगने चालू हुए थे, आप देख रहे हैं यहां पर हायर हाई लगने चालू हुए थे। तो जब जहां पर मैंने आपको बताया आपको एक या दो से अधिक हायर हाई मिलने चालू हो जाए तो आप वहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, हमको ये जो है स्टॉक रेजिस्टेंस पर मिला है, बट हम अभी इसको यहां पर सेल नहीं करेंगे, हम यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट हम क्यों करेंगे, वेट क्योंकि यहां पर देखिए नीचे से जो है एक हायर हाई लगता हुआ आ रहा है, तो हम ट्रेड तब लेंगे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। तो यहां पर देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करके आया, मतलब इसको रीटेस्ट करके आया, और फाइनली देखिए बूम, आप देख रहे हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसके बदौलत आप किसी भी स्टॉक की मूवमेंट, किसी भी स्टॉक का प्राइस पता लगा सकते हैं कि अभी ये स्टॉक जो है किस दिशा में जा सकता है। देखिए मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने अच्छी तरह टेक्निकल सीख लिया तो जो है मतलब आपके 100 में से 100 ट्रेड ही सक्सेसफुल होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी रेशो 50-50 भी आती है और 60-40 भी आती है तब भी आप जो है मार्केट से बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है।
तो इस चीज को फॉलो करिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी चीज है, इसको सीखिए। और मैं अपने कुछ दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि देखिए कई लोगों को यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज कुछ नहीं है, सिर्फ तुक्के के बेस पर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए पैसा आपका है, ठीक है, तो इसको संभाल कर रखिए। देखिए नॉलेज विदाउट नॉलेज इफ यू जंप इन द मार्केट दैट इज वेरी वेरी इंजूरियस टू योर वेल्थ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप मेरी बात को समझिए, सीखिए पहले। जो आप पैसा मार्केट में यहाँ गंवा रहे हैं वो पैसा आप अपने ऊपर लगाइए, अपने ऊपर खर्च करिए, अपने सीखने के ऊपर खर्च करिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए खर्च करिए। देखिए पैसा जो है बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, बट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और जो है चीजों को अच्छी तरह समझने लग जाएंगे तो यहाँ से पैसा कमाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं इंट्राडे को जो है बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ और इंट्राडे ही मेरा फेवरेट है। अब अगर आप कहिए कि मैं पोजिशनल मेरा फेवरेट है तो नहीं, देखिए पोजिशनल करता हूँ मैं अक्सर, मेरे काफी स्टॉक मेरे होल्डिंग में रहते हैं, बट जो मजा मुझे इंट्राडे में आता है वो मुझे शायद मुझे पोजिशनल में नहीं आता है। तो चलिए हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे ट्रेंड लाइन पर। तो ये ट्रेंड लाइन का देखिए ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद देखिए पहला सपोर्ट हमारा ये था 3640 रुपए और दूसरा सपोर्ट हमारा 3660 रुपए था। तो ये देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, उसके बाद फिर रीटेस्ट हुआ है, उसके बाद बूम, ये देखिए कहां पर आया 3200 रुपए नियर अबाउट। आपको यहां पर 800 से 1000 रुपए का आपको यहां पर 1000 रुपीज की आपको मूवमेंट मिली है, ठीक है। तो सर 1000 रुपीज की मूवमेंट कम नहीं होती है, बहुत होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहां पर अब क्या हो रहा है। अब यहां पर जो है देखिए स्टॉक ने नीचे आकर क्या किया है, अब ये देखिए नीचे आकर जो है ये देखिए हैमर कंटिन्यू हैमर कैंडल बनाए हैं, 1 2 3, ठीक है, तीन हैमर कैंडल यहां पर बनाए हैं। तीन हैमर कैंडल बनाने के बाद जब ये जो रेड कलर की बड़ी कैंडल बनी है इसका ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ये सीधा ऊपर की तरफ निकला है। और ये ऊपर की तरफ कहां निकला है, कहां तक निकला है वो भी हम देखेंगे। देखिए यहां पर जो हाई लगे हुए हैं, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि ये देखिए जो मैं जहां से ड्रॉ कर रहा हूं आप उसको देखिएगा, यहां पर ये मेरा जो है माउस का कर्सर देखिएगा, मैं आपको क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखिए कि हाई लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, दो बार टेस्ट हुआ, यहां भी एक बार टेस्ट हुआ है, तीन बार टेस्ट हुआ है, उसके बाद फिर फाइनली यहां पर ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद देखिए अब ये सपोर्ट बन चुका है, यहां गया ऊपर गया, ऊपर जाकर रीटेस्ट किया, यहां सपोर्ट बन चुका है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइम फिर जो है यहीं पर जो है सस्टेन कर रहा है। फाइनली इसको ब्रेक करने के बाद जो है सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर अभी इसका देखिए रेजिस्टेंस बन चुका है। मींस मार्केट में जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है बाद में, और जो है रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये देखिए ये स्टॉक कहां पर गया है, ये स्टॉक एग्जैक्टली यहीं तक गया है, अपने रेजिस्टेंस तक गया है। रेजिस्टेंस पर जाने के बाद ये देखिए कंटिन्यू यहां पर सस्टेन होता रहा है। सस्टेन होने के बाद यहां पर देखिए जो यहां पर इसने सपोर्ट लिया था, 1 टाइम सपोर्ट लिया था, 2 टाइम सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो अभी हम जो है इसकी वेट करेंगे, क्योंकि ये पीछे से ये सपोर्ट इसके लिए काम कर रहा है। देखिए ये यही वाली लाइन है, कोई मैंने इसको अलग से ड्रॉ कर दिया, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये सपोर्ट ड्रॉ करके रखी थी, वही एक सपोर्ट हमने यहां पर, मैं दूसरी एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, नहीं तो फिर जो है काफी इधर घपला सा हो जाता है। तो ये देखिए हमने जो है इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और फाइनली जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमको जो है स्टॉक नीचे की तरफ मिला। नीचे की तरफ हमको स्टॉक कहाँ मिला है, देखिए हमने अपना जो टारगेट रखना है, जो आने वाला सपोर्ट है, जो आने वाला रेजिस्टेंस है, हमने उस पर अपना टारगेट रखना है, ठीक है। तो आने वाला सपोर्ट हमारे लिए अभी ये था, तो हमारा यहाँ पर टारगेट हुआ। और यहाँ पर टारगेट होने के बाद देखिए आपको मैं एक चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बनी थी, इसमें मैंने ट्रेड भी किया था, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपको यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर एक मिला था डब्ल्यू पैटर्न, और आप शायद डब्लू पैटर्न के पावर को नहीं समझते होंगे। डब्लू पैटर्न एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है, ये देखिए, और यहां, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, सॉरी, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था फिर मैंने ट्रेड जो है अपना एग्जीक्यूट किया था। यहां पर जब ये इसको ब्रेकर के निकला था तब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। यहां पर देखिए एग्जीक्यूट करने के मेरे पास 3-4 रीजन थे, तो मैं आपको वो रीजन बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। हाँ तो सॉरी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया था। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए मैं कभी भी कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं एक कंफर्मेशन के बदौलत नहीं लेता हूँ, मेरे को मल्टी कंफर्मेशन चाहिए, मैं तभी लेता हूँ। देखिए एक तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो, और दूसरा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। ये देखिए ये जो लोअर लो लगते कंटिन्यू चले आए थे इसका ब्रेकआउट हो रहा था, तो एग्जैक्टली मैंने यहां पर नियर अबाउट कहीं अपना सेट ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो है 4650 के बाद इसने देखिए कितना हाई लगाया था, 4900 नियर अबाउट
4900 रुपीज का, यहाँ 3600, तो नियर अबाउट 1300 पॉइंट। मैंने यहाँ से शायद 700 to 800 पॉइंट शायद मैंने बुक किए थे, इतना नहीं मैंने किया था कि मैं कहूँ नहीं नहीं मैंने 1300 किया था, नहीं मैंने 700 to 750 शायद इतना ही किया था। तो चलिए हम जो है अपने चीज उस पर कंफर्मेशन अपना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद देखिए अगर आपको बाय चांस, मैं देखिए मैं जैसे आपको समझाता हूँ, आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिली तो आप यहाँ पर कहीं यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, आप अपने कंटिन्यू पैटर्न फाइंड करते रहिए। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको एक ये, और मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहां देखिए एक फ्लैग बना है, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा हम यहां पर फिर एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहां पर फ्लैग बना, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और आप यहां पर ऊपर की तरफ गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर जो है काफी ऊपर की तरफ गया है। तो देखिए इस तरह से जो है कंटिन्यू अपने पैटर्न फाइंड करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर जब कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है, सोचिए आप बताइए क्या बनेगा, ठीक है। मैं बताता हूं, देखिए कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें हायर हाई बनेंगे, ठीक है, और कोई भी स्टॉक अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें कंटिन्यू लोअर लो बनेंगे। तो इस चीज का आप जो है ध्यान रखिए। तो ये यहां पर देखिए जब यहां पर हायर हाई बनने चालू हुए तो हमने क्या किया, हमने यहां पर जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखिए देखिए आप जो है यहां पर अपने कंटिन्यू पैटर्न यहां पर ढूंढते रहिए, बनाते रहिए, आपको चीजें जो है अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए एक फ्लैग टाइप का पैटर्न यहां पर भी बना था, ठीक है, यहां पर हायर हाई बनता गया, हायर हाई बनता गया। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हायर हाई बनने बंद हो गए हैं, ठीक है, यहां पर ये जो लास्ट जो हायर हाई बना था अब ये स्टॉक जो है यहां पर आ चुका है। ये देखिए लास्ट हायर हाई आप ये देख सकते, मैं आपको नीचे समझाता हूं, ये हायर हाई बना यहां तक, यहां हायर हाई बना यहां तक, ये हायर हाई बना यहां तक, इसका ये हायर लो है और ये हायर हाई, ठीक है, ये इसका मतलब ये हायर हाई, ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, तो लास्ट लो है ये, देखिए ये हायर लो लास्ट है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम जो है एक इस तरह से ये ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, जब इसने ये जो है लास्ट जो हायर लो बना था उसको जब इसने ब्रेक किया है तब हमारी यहां पर जो है सेल साइड की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज नाउ स्टार्ट टू गोइंग इन द डाउन ट्रेंड, क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। तो यहां पर जो है लास्ट टाइम का हायर लो बना हुआ है, हमने यहां पर जो है अपनी एक सपोर्ट ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। और हमारा अब आगे का मोटिव क्या होना चाहिए कि जब इस सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा, ठीक है ना, हमारी एंट्री तब होगी। देखिए कोई भी चीज अगर ब्रेकआउट होती है तो वहां पर थोड़ी आप वेट करिए, ब्रेकआउट हो गया उसका रीटेस्ट करने के लिए जाने दीजिए। अगर वो रीटेस्ट करके आता है तो वो एक मल्टी कन्फर्मेशन और जो है कह सकते हैं आप वो जो है बहुत अच्छा आपके लिए ट्रेड साबित हो सकता है। तो यहां पर देखिए मैं इसको जो है ना थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। अब देखिए क्या हो रहा है, एक तो यहां पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो मेरे को अपना मन में ऐसा कुछ डाउट था कि यार यहां से ये जो है ना सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी यहां पर ये सपोर्ट ले सकता है, तो मैंने यहां पर जो एंट्री नहीं की थी। तो मैंने सोचा था कि अगर अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका लो ब्रेक करेगा तब मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, तो फाइनली मैंने किया भी वही था। तो यहां पर अब देखिए क्या हो रहा है, जब इसने जो है पिछला हायर लो ब्रेक किया है, इसको रीटेस्ट किया है और ये नीचे की तरफ, अब ये जो है हमको देखिए यहां पर हमको एक रेजिस्टेंस मिल चुका है। अब ये नीचे की तरफ आया फिर इसी को जो है टेस्ट कर रहा है, फिर नीचे की तरफ आया फिर इसी को टेस्ट कर रहा है, फाइनली देखिए इसने कितनी बार इसको जो है टेस्ट किया है, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम, और 4 टाइम जो है बार बार टेस्ट करने के बाद इसने जो है फाइनली इसको ब्रेक कर दिया है। अब यहां पर हम नीचे की तरफ भी देखिए, ये जहां तक नीचे पे आया था ये आया था 4420 रुपए तक, और ये पीछे भी एक सपोर्ट था यहां पर, तो यहां पर हम जो है अपनी एक जो है इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर हमने जो है लाइन ड्रॉ कर दी है, ये देखिए यहां पर हमने अपनी लाइन नीचे से ड्रॉ कर दी है। अरे यार भाई क्या हो रहा है यार, ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अब इसका जो है जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट होने के बाद ये सीधा नीचे, और ये नीचे भी कहां तक आया है, अब हम आपके मन में ये डाउट होगा यार हम नीचे इसको कहां तक बुक करें, कहां तक बुक करें। तो देखिए पीछे के जो आपने कहीं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं उनको उसको एक्सटेंड करिए, ठीक है, आपको अपने आप पिक्चर मिल जाएगी। ये देखिए हमने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, और नीचे कहां तक आया, लास्ट जो सपोर्ट था 3800 रुपीज का वहां पर आया ये, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये लोअर लो बना रहा है,
ये नीचे आया, ये ऊपर गया। मैं आपको जो है थोड़ा इस तरह से बता देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ये नीचे आया, ओ सॉरी यार, वाइट कलर कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए, नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको अब डिलीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, या क्यों डिलीट हो रहे भाई, सॉरी। चलो हम यहाँ पर अब जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, हमने ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ की, शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर लोअर लो कंटिन्यू बन रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर कंटिन्यू लोअर लो बन रहा था, हमने इसलिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, सॉरी, एक मिनट होल्ड, एक मिनट सर। हाँ ये हो गया डिलीट अब। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसलिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है क्योंकि यहाँ पर लोअर लो मिल रहे हैं। अब हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, देखिए हमने यहाँ पर सपोर्ट पर सीधी एंट्री नहीं ले लेनी है कि यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ से जो है हम एंट्री ले लेते हैं, यहाँ स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं, हमने जो है कन्फर्मेशन हमको चाहिए, हम तब एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद फिर देखिए सेम लेवल पर रिटेस्ट करने के लिए आया है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसी सपोर्ट पर आकर लास्ट फिर इसने सपोर्ट लिया है, और ये ऊपर से क्यों रिवर्स हुआ ये भी आपको देखना है ना। तो ये देखिए हमने जो पीछे ये सपोर्ट ड्रॉ करके रखी हुई थी, अब इसको देखिए ये आगे तक इसको हम ड्रॉ खींचते जाएंगे, हमारे को यही सपोर्ट यही रेजिस्टेंस बनता जाएगा। ठीक है ना, अब ये देखिए क्या हो रहा है, अब एक रेंज में फंस गया, रेंज में फंस गया, यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके रखा है 4400 रुपये पर। ठीक है, अब ये कंटिन्यू इसी फॉर्मेशन में चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए अब आगे क्या हो रहा है, अब आगे हम जो है एक लंबी पिक्चर देखेंगे। ये देखिए अब यहां पर जो है ये जो हाई था और ये जो पिछला अगला लो है, ये इसका लो इस पिछले लो से ऊपर है और ये भी लो पिछले लो से ऊपर है, यहां पर हायर हाई बन रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जो है आप ऊपर से देख सकते हैं ये लोअर लो बन रहे हैं। तो हम यहां से जो है एक पैटर्न इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, हम यहां से कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, और यहां पर देखिए आपको जो है चार्ट में कंटिन्यू जो है अपने पैटर्न जो है ड्रॉ करते रहने हैं, उससे आपको जो है बहुत अच्छे से मतलब सब चीजें समझ में आएंगी। अब यहां पर देखिए कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहां पर बन रहा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है ना, शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो ये सब पैटर्न जो होते हैं बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, तो इस पे जो है ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए यहां पर ये देखिए कितना अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है, अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो स्टॉक नीचे की तरफ निकलता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर जो है कंटिन्यू लोअर लो बना यहां पर बना रहा है, यहां पर कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है। तो हमको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए ऊपर से जो है हमको लोअर लो फॉर्मेशन चाहिए और नीचे से हमको जो है हायर हाई फॉर्मेशन चाहिए होती है, तब जाकर ये पैटर्न ड्रॉ होते हैं। तो हमने ये पैटर्न ड्रॉ करने के, देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद जो है हम देखिए हमारी जो पिछला हाई था, जब ये हाई को इसने निकाला फिर यहां पर जो है हमारी एंट्री होती। ठीक है, अभी ये देखिए स्टॉक जो है क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस इसको निकाला है, निकालने के बाद यही स्टॉक जो है अभी ये देखिए कहां पर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए ये कुछ सपोर्ट जो है हम ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको कुछ माइनर मतलब ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो है आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए अब हम देखेंगे कि ये जो है आने वाला जो है फ्यूचर है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में आप बताने जा रहा हूं मैं, उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर जो है ये देखिए इसी लेवल पर जो है अभी एक ये रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए यहां पर जो है काफी देर यहां सस्टेन करने के बाद इसको ऊपर की तरफ गया था, फिर नीचे ब्रेक करने के बाद अब इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो अभी हमको जो है वेट एंड वॉच की यहां पर सिचुएशन है। अब ये 4550 के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे देगा, 4550 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद जो है हमारा जो इसमें पहला टारगेट होगा वो 4750 का होगा, और जो है दूसरा टारगेट जो होगा वो 4900 रुपीज का होगा। और उसमें ध्यान रखिएगा कि
कि जब ये 4900 रुपीज़ का लेवल निकालेगा तो इसमें आपको जो है एक न्यू हाई लगते हुए दिखाई देंगे, इस चीज का आप जो है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे को एक चीज और दिखाई दे रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, और इसमें जो है अगर आपको सबसे अच्छी सिचुएशन तो ये रहेगी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होने के बाद फिर जब यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल आपको दिखाई देती है, हैमर टाइप की कैंडल या बुलिश एंगलफी टाइप की कैंडल, तब आप यहाँ पर जो है एंट्री ले सकते हैं और जो है इसमें जो है अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई नॉलेज, बताए हुए जो है जो एनालिसिस मैंने करके आपको बताई है, वो आपको समझ में आई होगी। और एंड आई होप दैट विच वीडियो आई पोस्टर दैट यू लाइक दिस वीडियोज, जो वीडियो मैं आपको बना के ये दे रहा हूँ, आपको वीडियो पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करिए, और नहीं पसंद आती हैं तो डिसलाइक करिए। देखिए, आपके द्वारा किए हुए लाइक जो है मुझे मोटिव करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जितने से ज्यादा लाइक आएंगे उतनी, जैसे अभी मैं वीकली में एक वीडियो बना रहा हूँ, फिर दो वीडियो बनाना चालू करूंगा, तीन बनाना चालू करूंगा, और अभी जो है मैंने सारे पैटर्न के ऊपर सारे वीडियो बनाने हैं कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होते हैं, डबल बॉटम क्या होता है, ट्रिपल बॉटम क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो जो भी मेरे दोस्त सज्जन मित्र यहां पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।